वारदातों में निरंतर इजाफा हुआ था। जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कैंप मोहल्ला निवासी समीर हसन की आई 20 कार चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट शिकायतकर्ता के द्वारा उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल एवं मध्य पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह के निर्देशन में एवं एसडीओपी भारती जाट के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस टीम हरकत में आई और तत्परता दिखाते हुए जांच कार्रवाई के दौरान उमरिया लालपुर निवासी लकीश जी एवं उसके दो सहयोगी सांपी हिरण कोल और अनुज कोल के पास से चोरी की गई कार को जब्त करते हुए तीनों आरोपियों पर अपराध दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं तीनों अपराधियों को जिला जेल के लिए पुलिस टीम द्वारा रवाना किया गया है। वहीं उमरिया नवागत एसडीओपी भारती जाट ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों पर चोरी का अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस के कार्य की सराहना की है एवं शिकायतकर्ता समीर हसन ने भी पूरी पुलिस को धन्यवाद देते हुए उनके कार्य की प्रशंसा की है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आईटोटी पकड़ी गई है, तत्कालीन पुलिस ने कार्रवाई की, यह सराहनीय कदम है। पुलिस ऐसे ही सजग रहती है, समाज सुरक्षित रहता है, इसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है। अब वो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद। आरोपी गाड़ी के चोरी के इल्जाम में पकड़े गए, उनको जेल भेजा गया, ये और सराहनीय कदम है। इससे निश्चित रूप से अपराध में अंकुश लगेगा और समाज में। मैं समीर खान हूँ और मैं वार्ड नंबर 10 कैंप कॉलोनी में रहता हूँ और वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय उमरिया में कार्यरत हूँ। और मैं यानी अपने डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था लालपुर, जहाँ पर मैं पर्सनल काम से गया था अपनी गाड़ी लेकर I-20, और वहाँ से कुछ चोरों ने यानी तीन नाम है मेरे को जिससे पता चले थे, एक लकी सिंह है और एक अनुज कोल और एक उन्हीं का कोई रिलेशन का कोल समाज का है वो है, तो ये तीनों मिलके मेरी गाड़ी चोरी कर लिए थे और फिर जिसकी सूचना मैंने तत्काल यहाँ पे जिला कोतवाली पे दी और जैसे ही मैंने सूचना दी थी उसके आधे घंटे बाद इन्होंने कोतवाली से कार्य किया और मेरी गाड़ी रात ही में ही उन्होंने ढूंढ निकाली और उसको कोतवाली में लाके खड़ी कर दिया, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि यहाँ की हमारी उमरिया प्रशासन की पुलिस जो है बहुत अच्छी कार्य करती है और इन्होंने तत्काल रिजल्ट दिया था। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा, कोई भी परेशानी होती है या कोई भी सामान आपका चोरी होता है तो इधर उधर न ढूंढ के वो कोतवाली में जाके कम। उमरिया पुलिस हमारी इस समय सही में बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी कई केसों में उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बहुत अच्छा काम पुलिस उमरिया कर रही है और ये कोरोना काल में विशेषकर उनके कोरोना फाइटर्स जो काम कर रहे हैं, उसी कोरोना के बीच में भी गाड़ी चोरी हुई, समीर खान हमारे उमरिया कैंप के निवासी हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्दी उनकी गाड़ी ढूंढ के दे दी। मैं उमरिया पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उसके लिए। ये कैंप मोहल्ला के रहने वाले हैं समीर हसन, इनकी I-20 गाड़ी लालपुर के रहने वाले तीन लोग हैं, एक का नाम है लकी सिंह, दूसरा अनुज कोल और तीसरा है हिरन कोल। इन तीनों ने मिल करके साजिश करके इसकी गाड़ी को चुरा लिया था। पुलिस ने इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड दे दिया है और गाड़ी को भी दस्तयाब कर लिया गया है। अगर वासियों से मेरी अपील है सभी नागरिकों से कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दें, पुलिस आपके साथ रहेगी। कोरोना काल में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है, जनता कर्फ्यू, लोग निकलते नहीं है, घर में रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो चोर बदमाश हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं, उनके ऊपर भी नकारा टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर खाने पीने की जो समस्या आई है उससे वो लोग भारी परेशान हैं। इसी अनुक्रम में देखने को मिला कि कैंप के एक शरीर की गाड़ी थी वो I-20 हुंडई कंपनी की, उसको रात को चोरी हो गई, जिसकी थाने में उन्हें रिपोर्ट की तो पुलिस के तत्परता से गाड़ी पकड़ ली गई, परंतु ये देखने को मिला है कि इन दिनों जब से ये कोरोना काल लग जाता है तो चोरी और अन्य प्रकार के जो दैहिक अपराध होते हैं वो होने लगते हैं। इसमें भी पुलिस को नियंत्रण रखना चाहिए और जो आस उनकी ग्राम सुरक्षा समिति हैं उन लोगों को भी कहा करें कि इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के संदेश गांव में दें और निश्चित रूप से पुलिस की हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इस कार्यकाल में लोगों की संपत्ति जानमाल की सुरक्षा करें।